चैनल स्पायरिंग ट्यूटोरियल्स विद प्रियंका और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल्स टू 9.375 मीटर स्क्वायर। एक कंटेनर में कुछ पेंट गिवन है आपको और वो इस एरिया पर पेंट करने के लिए सफिशिएंट है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। और कुछ ब्रिक्स हमारे पास हैं, ईंटें हैं जिनका की डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ 22.5 है, ब्रेथ 10 है और हाइट है 7.5। तो हमें बताना है कि कितनी ब्रिक्स पर हम इस पेंट से पेंट कर सकते हैं। इट मींस कि इस पेंट की हेल्प से इस डायमेंशन की कितनी ब्रिक्स हम पेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि ध्यान से देखेंगे, हमें इस पूरी ब्रिक पर पेंट करना है। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो फाइंड आउट करते हैं। गिवन लेंथ आपको दे रखी है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7.5 सेंटीमीटर। सो वी विल फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। क्योंकि ये एक ब्रिक की डायमेंशन है तो हम एक ब्रिक का एरिया निकालेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे एलबी प्लस बीएच प्लस LH। यही फॉर्मूला होता है और इसमें अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। L मल्टीप्लाइड बाय B 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 प्लस 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 22.5। मल्टीप्लाई करेंगे 22.5 का 10 से, यू विल गेट 225 प्लस 75 168.75। ऐड करते हैं इनको। जब आप ये तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 468.75 और आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 937.5 एंड योर यूनिट इज सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये हमने एक ब्रिक का एरिया फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि ब्रिक का एरिया आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में और जो पेंट हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में। तो या तो हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करें और या फिर हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करें। तो बेटर है कि हम इस वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं, बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। एलएचएस और आरएचएस दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। सो 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या है, 1 आया, मीटर इज मीटर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कर दीजिए, 100 स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 स्क्वायर इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, सो इट इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको अब हम अपने कन्वर्जन में यूज करेंगे। सो पेंट कितना गिवन है आपको, दिस मच लिख देते हैं यहां पर। पेंट गिवन इज दिस वैल्यू 9.375 मीटर स्क्वायर और इसको अब हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं इस वैल्यू के साथ। तो 9.375 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100 और ये कन्वर्ट हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, यानी कि दोनों यूनिट्स हमने सेम कर लिए हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ब्रिक्स, यानी कि इतने पेंट को हम कितनी ब्रिक्स के ऊपर पेंट कर सकते हैं। तो लिखते हैं
required number of bricks. Total paint हमारे पास है this much multiplied by 100 multiplied by 100 upon area of one brick. ये वाला जो हमने वन ब्रिक का एरिया फाइंड आउट किया है, दिस इज 937.5. जब हम टोटल जो पेंट गिवन है उसको हम डिवाइड लगाएंगे एक ब्रिक के सरफेस एरिया से, तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आएगा. सॉल्व करते हैं. पॉइंट है, हटाएंगे ऊपर 10 चला जाएगा. यहां पर पॉइंट है, आप हटाएंगे 1, 2, 3, नीचे 100, 1000 आ जाएगा. लाइक दिस 1, 2 and 3. ऊपर मिलेगा 9375 मल्टीप्लाइड बाई 100 और नीचे भी मिलेगा सेम डिजिट 9375. ये वैल्यू इससे कट जाएगी और हमें मिलेगा 100. सो द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड इज 100. यानी कि 100 ईंटों पर ये वाला पेड़ सफिशियंट रहेगा. सो दिस इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.